शांति। गुड मॉर्निंग। आज सद्गुरुवार, परम सद्गुरु को सभी ने भोग स्वीकार कराया। आज बाबा ने विशेष बच्चे जिस बाप को याद करते हैं, मनुष्य उसकी बाहर से महिमा गाते हैं। पापा ने कहा, तुम देही अभिमानी बनकर आत्मा समझ बाप को याद करते हो, तो बाबा है दुख हरता सुख करता। लेकिन बाबा ने कहा, वो फिर कृष्ण को कहते हैं हरि। वास्तव में कृष्ण को हरि नहीं कहेंगे, हरि कहेंगे दुख हरने वाले को। तो हरि द्वार, बाबा आकर के हरि बाबा वैकुंठ द्वार का उद्घाटन करते हैं। आपने कहा, कोई भी मकान का जब फाउंडेशन डालते हैं तो सेरेमनी मनाते हैं, तो बाबा भी ये सेरेमनी मनाते हैं। दूसरा, बाबा ने कहा कि बाबा आकर के ये ज्ञान कृत डालते हैं, जिससे दीपक जग जाता है। तो तीन प्रकार के दीपक बाबा ने कहा, एक है दीपावली पर ये छोटे बड़े दीपक जलाते हैं, यहाँ बाबा ज्ञान का घृत डालते हैं तो छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं। और तीसरा दीपक बाबा ने कहा, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उस दीपक में भी घृत डालते हैं। वो दीपावली के दीपक, उसमें भी तेल डालेंगे तब दीपक जगेगा। बाबा ने फिर आत्माओं में ये ज्ञान का घृत डाल करके दीपक जगाया। और वो लोग जब कोई शरीर छोड़ता है तब बाबा ने कहा, उसमें घृत पूर डालते रहते हैं ताकि दीवा बुझ ना जाए और उसको अंधियारे में तकलीफ ना हो। तो उसके लिए उस दीपक को, तो बाबा ने कहा, वो हद की बात है, यहाँ फिर है बेहद की बात। ऐसे बाबा ने कई ज्ञान के राज और भी स्पष्ट किए हैं। मुरली से सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए। क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। प्रश्न है, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? बाबा को फारकती कब देते हैं बच्चे? माया के वश हो जाते हैं, तो ग्रहचारी बैठती है तो फारकती दे देते हैं।
संशय बुद्धि हो जाते हैं तब फर्क गति दे देते हैं। और कब फर्क गति देते हैं? मन मत पर चलते हैं तब फर्क गति देते हैं। पढ़ते भी नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? कमज़ोर आत्मा चलते चलते अपने आप ही आना छोड़ देंगे। बाबा ने कहा है, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं हैं, गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। तो ना आज बाबा ने मुरली ना सुनना, मुरली मिस कर देना, उसको तलाक देना कहा। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे कभी तलाक नहीं देना, दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्य को मुश्किल समझ में आता है क्यों? है सत्य फिर भी मुश्किल समझ में आता है क्यों? ज्ञान का पता ही नहीं है। और उनकी बुद्धि में शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए ये ज्ञान समझ में नहीं आता है जल्दी। वो झूठ इतना बैठ गया है कि सत्य को समझ ही नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा है, क्योंकि ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता है, अभी ही प्रायः लोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। ये नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। गीत है, पितु मातु सहायक स्वामी सका। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा करते हैं, यहाँ हमारा उसके साथ योग जुटा हुआ है, लगा हुआ है, बाहर में मनुष्य उसकी महिमा करते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो, अपने को आत्मा समझ, देह का अभिमान छोड़, एक की ही याद में रहना है। अभी तुम
आत्म अभिमानी बने हो। पहले थे देह अभिमानी, सत्युग में तुम बाप को नहीं जानते हो, क्योंकि सुख में होते हो। तो बाबा ने कहा, जब सुख में होते हो तो बाप को याद ही नहीं करते हो। सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता है। यहां दुखों में हो तब फिर बाबा ने कहा उसको पुकारते रहते हो। वहां सुख मिल गया तो याद की जरूरत नहीं, याद नहीं करते, यहाँ पुकारते रहते हो। गायन भी है, दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरि का द्वार ये है। मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरि द्वार कहते हैं। श्री कृष्ण को हरि कहा और वैकुंठ को हरि द्वार, हरि के रहने का स्थान हुआ ना, तो वैकुंठ को हरि द्वार कहते हैं। तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। तुम जानते हो शे बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ का सत्युग का द्वार खोलने आया है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, तो बाबा भी आया है हरि द्वार की सेरेमनी करने। सुना, जवाब दिया कभी दुखों से मुक्त करने, घर ले जाने। आज बाबा किस लिए आया है? हरि द्वार की सेरेमनी करने। कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता नहीं है, बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप ही आकर स्वर्ग के स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है, ओपनिंग सेरेमनी। मकान बने तब उसकी ओपनिंग हो ना, तो फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है, स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहा है। 1937 में फाउंडेशन लगाया, अब फिर स्थापना कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर स्थापन कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है। सच्चा सच्चा पैगाम तो बाबा ने कहा मैं ही देता, मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूं। बाप समझाते हैं कि मैं वेदों शास्त्रों से नहीं मिलता हूं, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है, जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो। अब ज्ञान सुनो, फिर सत्युग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। सुना, अभी ज्ञान सुनो,
फिर सत्युग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। तो थोड़ा ही समय तो सुनना है, तो कितना अच्छी रीति से सुनना चाहिए। प्राप्ति बहुत बड़ी है। तो बाबा ने कहा, जन्म जन्मांतर तुम भक्ति करते आए हो, अब ज्ञान सुनो, फिर सत्युग में नहीं सुनेंगे। कहा जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, सत्युग में अंधकार नहीं जो भक्ति करे। अभी बने ज्ञान अंजन दे दिया तो सत्युग में चले गए, वहाँ बाबा ने कहा अंधकार नहीं जो भक्ति करे। तो ज्ञान के अंजन की दरकार कहाँ है? संगम पर, यहाँ है। बाप से ज्ञान लो फिर भक्ति नहीं रहेगी। बाबा ने कहा, तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है और राम राज्य किसको कहा जाता है? तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि तुम्हें बाप जगाते हैं। अब देखो, दीप माला मनाते हैं, बोलो बाबा मन ला ली जा, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब ये छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का घृत मिल रहा है, दीपक जगे हुए हैं ना, घृत बाबा डाल रहा है। फिर बाबा ने कहा, मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकर ना खाए। मान्यता तो वही है ना कि उसको फिर ठोकर अंधेरा ना हो, तो यहाँ का दीपक वहाँ उसको प्रकाश दे रहा है। तो दीपक यहाँ का ज्ञान दीपक जिसमें बाबा ने प्रकाश घृत डाला, तो प्रकाश तो सतयुग में है ही ना, उजाला। तो बाबा ने कहा, अब वो हैं हद की बातें, तुम्हारी हैं बेहद की बातें। जब रावण राज्य शुरू होता है तब फिर ठोकरे खाना शुरू करते हैं। पहले एक की भक्ति करते, अब अनेकों की। किस किस की करते हैं अनेकों में? पांच तत्वों की करते हैं, प्रकृति की करते हैं। पांच तत्व में प्रकृति आ गई। बाबा ने कहा, अब तो मनुष्यों की, देहधारियों की पूजा करते, टिवाटे की भक्ति करते हैं। सुबह में आओ देखो तो तीन रास्ते पर कहाँ नारियल पड़ा होगा, कहाँ दीपक पड़ा होगा, फूल पड़े होंगे, टिवाटे की भक्ति करते हैं। वो निकाल करके वहां रखते हैं। तो बाबा ने कहा, भक्ति की बहुत सामग्री है जितनी वृक्ष की सामग्री है। बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, भक्ति भी इतनी है। एक वृक्ष कितना बड़ा, ढेर सारे पत्ते, टालियां, शाखाएं, उपशाखाएं। तो ऐसे ही भक्ति की भी शाखाएं उपशाखाएं ढेर है सामग्री। तो बाबा ने कहा, ज्ञान है बीज, ये सृष्टि तो अविनाशी अनादि है, इनका कभी विनाश नहीं होता। ये सृष्टि चक्र लगाती रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है, लेकिन एक झाड़ में वैरायटी है, धर्म तो अनेक है ना, तो वैरायटी है। ऐसे नहीं आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है।
सृष्टि एक, बीज एक है और उस बीज के झाड़ वो भी एक है, तो ये सृष्टि एक हो गई, बाकी आकाश पाताल उन सब में दुनिया नहीं है। ये तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है और राज्य तुम ले लेंगे, उलटते रहेंगे और राज्य तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे ये भी ड्रामा में नूद है, दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं, राजा ही तुमको मिलनी है क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चनपुरी का, उनसे हम सत्ता लेंगे ना, वो सारे विश्व में एक ही राज्य रह जाएगा। तो बाबा ने कहा कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चनपुरी का, इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चनपुरी बनाया। अंग्रेजों ने तो किया ना भारत को, तो बाबा कहता है लड़ा करके क्रिश्चनपुरी बनाया। अब बाप कहते हैं हिसाब लेना है, समझा? तो बाप कहते हैं हिसाब लेना है। हिसाब क्या ले रहा है बाबा? इनको आपस में लड़ाकर तुमको मक्खन मिलना है। उन्होंने पहले हमें लड़ाया और लड़ा करके राज्य ले लिया, अब फिर उसका हिसाब जैसा करेंगे वैसा मिलता है ना, तो फिर ये आपस में लड़ेंगे और माखन हमको मिले, लड़ रहे हैं। अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ये आपस में लड़ेंगे जरूर। भगवान वाच, इतना टाइम पहले बाबा ने कहा, वो समझते हैं हम पहलवान और वो कहते हैं हम पहलवान, हम जीतेंगे, लेकिन बाबा कहता है पहलवान तो तुम निकल पड़े, वो आपस में हम महान हम पहलवान हम जीतेंगे, लेकिन और अभी वही हो रहा है ना, भारत विश्व गुरु बनेगा तो जीता कौन, हम जीतेंगे ना। तो बाबा ने कहा तुम सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े, जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है, बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे ही, परंतु डरना नहीं है, हारना नहीं है। बाबा ने कहा कर्म में नहीं लाना, अगर कोई ऐसे कमजोर संकल्प विकल्प आते हैं तो कर्म में नहीं लाना, योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है योग बल। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, उनसे कोई मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता, समझा? ये ज्ञान बल है, शास्त्रों में बल नहीं है, मुक्ति जीवन मुक्ति किसको मिलती नहीं है। तो बाबा ने कहा इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता, भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का शास्त्र होता नहीं। तो ज्ञान से सदगति शास्त्रों से नहीं होती है, शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, तो बाबा ने कहा ज्ञान के शास्त्र होते नहीं। अब जो राम की पुस्तक बने हैं व जो भी शास्त्र आदि हैं
सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। झूठी गीता सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी। क्यों? ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। बाबा ने कहा ये सब कुछ खत्म हो जाएंगी क्योंकि तुमको सदगति मिल जाएगी। ज्ञान किसके लिए है? सदगति के लिए। तो जब तुम्हें सदगति मिल गई तो ज्ञान झूठी गीता सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी। सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे। बेअंत कहते हैं नास्तिक। हम बेअंत नहीं कहते, हम तो सब आदि मध्य अंत जानते हैं। तो बाबा ने कहा बेअंत कहते हैं नास्तिक। कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते हैं। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। उन्होंने नाम रूप से न्यारा कह दिया है। बाबा ने कहा तुम उनकी नई दुनिया की स्थापना और पतित से पावन बनाने के कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते रहते हैं और तुमको अभी हंसी आती है। रावण जलता है, हर वर्ष जला रहे हैं तो रावण जलता है और बड़ा हो रहा है। तो बाबा ने कहा तुमको अभी हंसी आती है, जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे ना। अब भले हंसी आती है ज्ञान मिला तब, लेकिन पहले तो हम भी जलाते थे ना। सुखदायक हो दुख दुर्गुण नाशन हारे हो, प्रतिपाल करो प्रतिपाल करो सगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो, पितु मात सहायक तुम ही एक नाथ हमारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उचिया जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो, इन प्राणन के तुम।
उपाय प्रताप हरे कह के अब और सहारे हो इसमत सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो इसमत सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। तो बाबा ने कहा अभी तुमको हंसी आती है, तो पहले तो बाबा ने कहा तुम भी जलाते थे, अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है, फिर आती है दीपावली, वहां घोर सोजरा है उसको राम राज्य कहते हैं, कहते तो सब हैं कि राम राज्य चाहिए, परंतु बाबा ने कहा राम राज्य को कोई भी जानते नहीं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में, उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में, राम राज्य में ट्रांसफर होने के पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। और ये जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं वो आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी, जब हमारी सतयुग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। बाबा ने कहा ये भी होना है ज़रूर, अपने धर्म को भूलना ये भी होना है ज़रूर। मिसाल बड़ के झाड़ का देते हैं, बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन अभी प्रायः लोप हो गया है, सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब फिर ये सब धर्म विनाश हो जाएंगे। कहते भी हैं एक ही धर्म रहेगा सब धर्म विनाश हो जाएंगे, बाबा ने कहा कहते भी हैं, भक्ति मार्ग में बोलते भी हैं, अनेक धर्म अधर्म विनाश एक सत धर्म की स्थापना। यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जो धारणा करके कराएंगे वो ऊंच पद पाएंगे। सुना, ऊंच पद का आधार खुद अपने जीवन में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे तब ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो, हमको निराकार परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, ये पक्का हो। कृष्ण नहीं पढ़ाते, चित्र भी बनाया है, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र और दूसरी तरफ शिव का चित्र है। बाबा ने कहा पूछना चाहिए, बताओ गीता का भगवान कौन है, जज करो, तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं, गीत में भी है गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। कौन सा गीत है? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, उसके अंदर में आता है। तो बाबा ने कहा गीता उसमें ना गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रहे, तो उस गीत को बाबा ने याद किया।
फिर बाबा कहते हैं गीत में भी है, गीता सुनाने फिर से आना पड़े, पर गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं ना, वो भक्ति मार्ग वालों ने बनाए हैं, तो वो भी ये मानते तो है ना कि फिर से आ जा। बनाने वाले तो मनुष्य ही हैं, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया। अर्जुन भी बैठा, भगवान भी बैठा, अर्जुन पीछे बैठा, भगवान आगे बैठा और पीछे मुंह करके उसको सारे युद्ध के मैदान में ज्ञान सुनाता रहा। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़ी आएगी। अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए तो अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आए, बड़े बड़े धनवान आ जाए। अगर भगवान के रूप, श्री कृष्ण के रूप में भगवान आ जाए कि यही भगवान है श्री कृष्ण, तो उसको कोई घोड़े गाड़ी पर बैठने देगा? तो बाबा ने कहा बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ी, कितने धनवान आ जाए। यहाँ तो देखो इनको अपनी मोटर भी नहीं है, शिव बाबा को वो भी उसको किराए की लेनी पड़ती है। पतित शरीर में मैं आता हूँ तो गुप्त है ना, श्री कृष्ण की बात नहीं, फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो, कितना मान रखते हैं? सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, अब कोई एक मंदिर थोड़े ही होगा, ये तो गायन में एक आया, बाकी तो ढेर शिव के मंदिर बनते हैं। पर शुरू में जो बनाए बड़े अच्छे अच्छे बनाए, उसमें महीरे जवाहरात ये सब लगाया, तो और भी मंदिर होंगे। बाबा ने कहा अनेक होंगे, फिर उनको लूटा भी होगा, तो सारी बेखत की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल, तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है ज्ञान क्या दिया जाता है? ज्ञान है ज्ञानंजन है। बाबा ने कहा ज्ञान है मन मना भव। बाबा कौन सा ज्ञान देते हैं? मन मना भव। इससे क्या होता है? सदगति। फिर मध्याजी भव की पढ़ाई पढ़ाते हैं। सुना मन मना भव का ज्ञान दिया और मध्याजी भव की पढ़ाई, नहीं मध्याजी भव स्वर्ग आया, स्वर्ग आया, सृष्टि चक्र आया, स्वर्ग आया, मन मना भव एक बाबा है। तो बाबा ने कहा टीचर और गुरु का पार्ट इकट्ठा चलता है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। ये पॉइंट पूरी हुई। तुम हो नया नया है तो पूरा ना, लेकिन उसके उसमें नहीं है। बाबा ने कहा तुम हो सच्ची सच्ची नंस, तुम एक को याद करती हो, वो नंस के भी गले में क्रॉस पड़ा हुआ होता है, एक को याद करती है ना। तो बाबा ने कहा सच्ची सच्ची नंस तुम हो, एक को याद करती हो, नंस के गले में क्रॉस पड़ा रहता है, क्राइस्ट को याद करती हैं, समझती हैं कि क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। उसने भी कहा ना सन ऑफ गॉड, तो क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, तो हमने क्या जाना?
बाबा ने कहा क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी, क्योंकि वो क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट का जो रूप है साकार, उस रूप से उसको याद करते हैं। तो बाबा ने यहाँ उसको स्पष्ट किया कि क्राइस्ट जो है वो गॉड का बच्चा नहीं, क्राइस्ट तो शरीर का नाम ना, लेकिन उसकी आत्मा वो गॉड का बच्चा है। ऐसे तो हम सभी हैं, बाप आकर तीन धर्म स्थापन करते हैं, तुम ऊंचे ते ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंच ते ऊंच विश्व की सेवा करते हो। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो तुम, आत्मा को वर्षा बाप से मिलता है, बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देते हैं। तुम आत्मा को, बाबा ने कहा बाप संगम युगे वर्षा देने आते हैं, शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है, उनका नाम ही है पतित पावन। तो युगे युगे आकर क्या करेंगे, हर युग में आकर के बाबा क्या करेगा, रज्जु से तमो में आना है, तमो प्रधान बनना है, तो बीच में अगर बाबा आ गया तो कालचक्र के अनुसार तो उनको तमो प्रधान बनना ही है। तो बाबा कहता है युगे युगे आकर क्या करेंगे, कल्प में एक ही बार आकर पावन बनाकर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे तलाक कब मत देना, सुना? फिर मिसाल दिया बाबा ने, आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं, आजकल तो मैरिज में एक महीने के बाद, छह मास के बाद, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो बाबा ने कहा वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी, तुमको मुरली जरूर सुननी है। अब उस पति, उस स्त्री से बाबा आया बच्चों पर, तुमको मुरली जरूर सुननी है, मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाप टीचर को बोल जाते हो, ये भी जैसे तलाक है। आज तलाक की परिभाषा बाबा ने दूसरे ढंग से दी, बाबा की मुरली नहीं सुनते हो, नहीं पढ़ते हो, मिस करते हो, तो ये भी जैसे तलाक है। तुमको कितना अटेंशन देना है, किस पर, मुरली पर, पढ़ाई पर, न अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होंगे, अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किस ने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। सब कहते हैं शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं, कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई, तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। सुख दुख का खेल ये भारत पर ही बना हुआ है। तुम तो कहेंगे हम कौन थे, हम ब्राह्मण ही सो फिर देवता, हम ही क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं। बाबा ने कहा इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। तो बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। आज तो दोनों का अर्थ बाबा ने क्लियर किया ना, मन मना भव को क्या कहा, ज्ञान, और मध्याजी भव पढ़ाई। तो खुद धारण कर औरों को भी धारण कराएं। तो बाबा कहता है अहो सौभाग्य, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, कहाँ गंगा में स्नान करना और कहाँ योग में रह पावन बनना,
अंतर हो गया ना। अब ये भी पॉइंट पूरी हुई। बच्चों को यज्ञ के पैसे की कदर होनी चाहिए, इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाप है गरीब निवास, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वो शाहूकार बनेंगे, समझा। गरीब यहाँ पाई पाई सफल करते तो उस पाई के बदले में बाबा उनको रिटर्न कितना बड़ा देता है। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलेगा। अगर हेल्थ हो वेल्थ ना हो तो भी हैप्पीनेस नहीं हो सकती है। परंतु बाबा ने कहा सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं। या हैप्पी का कारण वहाँ हेल्थ और वेल्थ दोनों हैं, इसलिए सदैव हैप्पी रहते हैं। वहाँ कभी भी रोते नहीं हैं, और यहाँ रोना हमेशा रेडी, थोड़ा सा कुछ हो गंगा जमना चालू। तो बाबा कहता है वहाँ कभी रोते नहीं हैं तो तुमको भी यहाँ कभी नहीं रोना है ना, तब वहाँ नहीं रोएंगे ना। रोने के संस्कार को तो यहाँ से ख़त्म करना है ना। परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं। बाबा ने कहा तीन पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं जहाँ से ही सबको हेल्थ और वेल्थ मिलती है ना। गरीब बच्चे तीन पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं, ये उस समय का था। और लास्ट के लिए बाबा ने कहा है बच्चे सा तुम्हारे पास कितना कुछ होगा, सब आकर के कहाँ डालेंगे। और तब बाबा क्या कहेगा, टू लेट। और ये भी बाबा ने कहा है जैसे शुरू में लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारी ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, अभी सब अंत में कहेंगे ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, समझा। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मिलेंगी, बनेंगी, इतने बड़े बड़े जगह मिलेंगी, सब आकर के ऑफर करेंगे तो सबसे रिचेस्ट कौन होगा। और सारे विश्व के मालिक तो हम बनने वाले हैं, लेकिन किस विधि से बाबा धीरे 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 बच्चों का सफल कराते, बच्चों को सशक्त बनाते, आज उस स्टेज पर लाया है। तो बाबा ने कहा हॉस्पिटल खोल देते हैं तीन पैर पृथ्वी में जहाँ सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है। सदैव खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। इस नशे में रहना है।
इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। वरदान है हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। समझा? मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में बाबा कहता है इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं। तो ना क्या कहा? अभी इतना बिजी हो सकता है? व्यर्थ में तो बड़ा सहज बिजी हो जाता है, और बाबा उसी जिसमें बिजी है उसमें से बाहर निकालने के लिए कहता है अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो फिर व्यर्थ आए ही नहीं। तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। स्लोगन है प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए क्या बनना पड़ेगा? प्लेन बुद्धि। बाबा ने कहा बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। समझा? क्योंकि जब प्लान देते हैं तब हर एक को लगता है मैंने बहुत अच्छा राय दिया, प्लानिंग दिया, उसको क्यों नहीं माना। इसलिए बाबा हमेशा कहते थे मालिक बन करके राय दो और फिर बालक बन जाओ, जो भी कहें, जो निर्णय लिया सो राइट है। तब फिर प्लान प्रैक्टिकल लाने में आनंद आएगा। आज का सोमान है मैं मास्टर दाता हूँ। आज 10 तारीख की मुरली है ना, हाँ, तो 10 का सोमान है मैं मास्टर दाता हूँ। हाँ, वरदाता था कर मैं मास्टर, मैं वरदाता मूर्त हूँ और आज है मैं मास्टर दाता हूँ। सदा दाता का बच्चा बन, सर्व को देने की भावना से भरपूर करेंगे, भरपूर होंगे वो स्वयं मास्टर दाता बन, परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ, हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, ऐसे ओटेसो अर्जुन अर्थात दातापन की
विशेषता होगी। गुजराती ज्ञानमृत की बुकिंग 25/11/22 से पहले करा देनी है। 2023 का गुजराती कैलेंडर जिनको जितना चाहिए वो लिखा देंगे। बाकी आप सबको मालूम है कि शनिवार सुबह में संतोष दीदी खास पहुंच रही हैं शुक्रवार रात को, और वो क्लास कराएंगी। पहले भी बताया था कि संतोष दीदी का यहाँ पर ये पहला क्लास है, तो आप सब बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ क्लास में भी पहुँचेंगे, क्योंकि ऐसे सोचा था कि जब संतोष दीदी भी आ रही है और उस दिन ड्रामा अनुसार राजू भाई भी, क्योंकि 12 तारीख में खैरालू में प्रोग्राम है, तो राजू भाई अभी बंगाल की टूर पर है, तो 11 तारीख को वापस आ रहे हैं। तो बोला फिर रात को वापस जा कर के और फिर 12 सुबह निकलने का, तो उसकी जगह 11 तारीख रात्रि को यहाँ पर ही रुकेंगे। तो हम 12 सुबह में क्लास भी करेंगे और मैसाना का सब जोन का ये गोल्डन जुबली ईयर आरंभ हुआ है नवंबर में, तो उस दिन केक काटेंगे और गोल्डन जुबली का शुभारंभ करेंगे। हर एक आत्मा को उसके निमित्त जो जैसा जिसको संकल्प उसको बीज सहयोग का डालेंगे। आगे प्रोग्राम तो चलते रहेंगे लेकिन हम एक शुभ शुरुआत करेंगे। तो सभी भाई बहनों को पहुंचना है, जैसे आज पहुंचे हैं ऐसे ही मंगलवार के दिन पहुंचेंगे, सॉरी शनिवार के दिन पहुंचेंगे और सभी क्लास करेंगे। जो भी जहां क्लासेस चलते हैं उन क्लास के भाई बहनों को भी आप सब संदेश देंगे और लेकर के आएंगे। बाकी मेले के लिए चल रहा है, ये खैरालू का प्रोग्राम पूरा हो उसके बाद में हम मेले की अच्छी प्लानिंग करेंगे और बहुत अच्छा बाबा का संदेश सबको मिले, ठीक है, इतना अच्छा मेला बनाएंगे। शैलेश भाई को तो वो मेला देख करके बस आज जगह आपड़े ले लीए, अहियाँ ज मोटो मेड़ो मनाविए, ने आपड़े अहियाँ करिए, खूब लोग आवशे, बाबा नो संदेश मळशे, ये चाले छे ना अहियाँ दादा भगवान नो, हाँ हाँ कल पूरा हो गया जा। तो बड़ा मेला बनाएंगे ना, अच्छे से अच्छा बनाएंगे। सब रेडी हैं? रेडी हैं? हाँ, हम सब तन मन धन सहित बाबा की सेवा में रेडी हैं, और जितना हम बाबा को याद करेंगे दिल से, क्योंकि आत्माओं की सेवा करनी है, हमारा किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, उतना ही बाबा के बच्चे भी सहयोगी बनेंगे। हर रोज़ अमृत वेले में 3 को याद करना है, एक तो बाबा के गोल्डन जुबली वाले रतन जो उत्तर गुजरात के हैं, भले यहाँ नहीं हैं चले गए हैं बाबा के पास, उन आत्माओं को भी हम दिल से याद करेंगे कि ये गोल्डन जुबली ईयर में वो सब हमारे साथ में हैं। दूसरा, हमारे यहाँ के जो भी सहयोगी बाबा के बच्चे हैं बाहर वाले, उन सभी VIPs का हम आवाहन करेंगे बाबा के कार्य में सहयोगी बने और राजयोगी बने, उन आत्माओं का आवाहन। और तीसरा, जो हमारा ग्राउंड है जहाँ हमें मेला करना है, वहाँ रोज़ बाप दादा के साथ चक्कर लगाएंगे, उस धरनी को भी शक्तिशाली बनाएंगे। सफलता तो हमारा जन्म से अधिकार है ही, हुई पड़ी है, तो उसी उमंग और उत्साह के साथ में, क्योंकि आजकल मेले अभी होते नहीं हैं और बहुत सारे भाई बहनों ने मेला देखा भी नहीं है जो अपने यहाँ होते हैं, तो अच्छे से मेले के द्वारा बाबा का संदेश देंगे। तो आप सभी को शनिवार के दिन
सुबह क्लास में पहुंचना है। ये मुरली।